वाली हूँ कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स में जो अपने खाने के लिए नहीं बल्कि फेमस है अपनी यूनिकनेस के लिए, जैसे कि ये ट्रेन रेस्टोरेंट। इसमें यूनिक क्या है? ट्रेन वाला यही यूनिक है। मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा, अंदर चल के तो देखेंगे तब पता चलेगा ना मजा आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं। ये है ट्रेन, छोटी है। तेरे लिए वंदे भारत लगवा दूं? छोटी है। मत बैठ भाई, तेरे वजन से गिर जाएगी। ऐसा लग रहा है ट्रेन पे है, मेट्रो बता दी। मैं नहीं खेल ली यार, एक तो तेरे को खाना भी खिलाओ ऊपर से गाली भी सुनो। अरे मजाक कर रहा हूँ, अच्छी लग रही थी ट्रेन। इसका रास्ता कौन से कोच में से भैया? टिकट कौन सी क्लास का लिया तुमने? अभी अंदर चल के बताऊंगा कौन से क्लास का टिकट है। और गाइस आज हम इन रेस्टोरेंट्स में जाकर देखने वाले हैं कि कौन सा यूनिक रेस्टोरेंट है सबसे बेस्ट। ये तो स्टेशन खाली पड़ा है। अच्छे ट्रेनों के नाम लिखे हैं, समझौता, मल्लारो। मल्लारो कौन सी ट्रेन है बे? मैं बैठा ही ना कभी, हम बचपन से क्रूज या प्लेन में रहे हैं तो हमें ट्रेन का इतना आइडिया नहीं है। मोटी जान मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग। अच्छा लग रहा है रेस्टोरेंट तो मुझे, यहाँ पे एक ट्रेन भी बनी हुई है। रेस्टोरेंट ट्रेन जैसा वो तो ठीक है, बस खाना ट्रेन जैसा ना हो। भाई देख रहे हो स्टेशन भी बने हुए पूरे प्रॉपर। अभी मैं थी जयपुर में, अब हूँ मैं लखनऊ में, और अब हूँ मैं पटना में। विजयवाड़ा, भोपाल, अमृतसर। ये वॉशरूम है गाइस, थैंक गॉड की वॉशरूम इंडियन रेलवे वाला नहीं है। हेलो सर, आप मैनेजर? तो ये थीम कैसे है आपके दिमाग में? ये सारा को जो थीमिंग है ये जर्मनी की थीमिंग है अपनी। हाँ। काफी फ्रेंचाइजी भी दी हुई है हमने लोगों। फ्रेंचाइजी? खाने का स्वाद भी तो ट्रेन वाला नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, खाने की स्वाद जो है वो नेचुरल है, अपने यहाँ कोई पोजन भोजन सॉरी। अच्छा ये बताओ ट्रेन कौन चलाता है? ट्रेन अंदर से सारे लोग चलाते हैं। तो डर नहीं लगता कैसे ट्रेन चल रही है, कभी पटरी से हट गई, कभी खाना लड़ गया आपस में, ऐसा हुआ है? नहीं हो जाता कभी। मतलब भैया बता रहे कि यहाँ पे भी ना हाथ से होते रहते हैं ट्रेन वाले, ठीक है? अगर थोड़ा सा भी सेंसर में प्रॉब्लम हुआ या हाथ वाथ लगा गया, खाना जाएगा पलट दूसरे स्टेशन पे, आप मंगवाते रहो। वही ये देख मेन्यू पे ट्रेन वाला है। ये ट्रेन, अच्छा इस ट्रेन पे रख के खाना आता है, तो ये पटरी से नीचे हो गई तो बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है अभी। टीटी तो नहीं आएगा चेक करने? कॉन्सेप्ट देखिए बढ़िया है। कोई दिक्कत आ जाए रास्ते में, कोई फॉल्ट हो जाए तो खाना जाए, ट्रेन दो दो दिन के रुक जाती है रास्ते में, खाना दो दिन रुक जाएगा हमारा। खाना दो दिन रुक जाएगा और हादसा भी हो सकता है। बहुत सीरियस मैटर है गाइस, यहाँ पे खाना खाने के लिए तो बहुत दुआएं करनी पड़ेगी, भगवान सफर मंगल में हो खाने का, खाना समय पे पहुंचे, खाना आ जाए। यह बिल आएगा, टिकट कटवाना पड़ेगा खाने का। खाना देने वेटर आएगा टीटी? क्या खाएगा बता? तू अगर एक बार आहा कर ना मैं तेरे बहुत मारूंगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रोटी खाना है। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है भाई ट्रेन में खाना खाने का, प्लेन वगैरह तो हम खाते रहे हमेशा से। इसके घर वालों ने आते जनरल के अलावा कोई ट्रेन का डब्बा नहीं देखा। और भी होते हैं, एक जैसे तो होते हैं सब। इतने गरीबी देखी है, इसका मुंह देखो एक बार। देखिए पर अमीरी बहुत देखी, फिर चोपर से गुड़े हम। आलू चोपर की बात करेंगे। भैया ऑर्डर कैसे दें? ऑर्डर क्या, टीटी आएगा ऑर्डर लेगा? आप टीटी हो? हाँ, इस रेस्टोरेंट के वैसे टीटी हैं, जहाँ आपको पैसेंजर का कस्टमर नहीं फाइन कर देते। ऐसे जो बात करते हो तो ये पहले से ऐसे ही बात करते हो इसलिए यहाँ नौकरी लगी, या नौकरी करने के बाद ऐसे बात करते हो? हाँ, यहाँ के भी लोगों के बहुत बड़े सहयोग है। खुश हो पूरे? हाँ पूरा खुश। आपने चालान कराया अभी तक किसी का? सवाल ही नहीं होता, गेस्ट को खाने में लेट होता है तो मेरा ही चालान हो जाता है। आप रियल ट्रेन में जाते होगा, आपको तो टिकट नहीं कटता होगा। रूल रेगुलेशन को फॉलो करो, सारे रूल्स को। हम जहाँ जो रूल नहीं जानते हैं उसमें तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। बोलते बहुत बढ़िया हो, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद। घर पे भी इतना ही बोलते हो? घर पे तो जो है सो मैं सब जगह से जंग लड़ के जाता हूँ तो घर में हार जाता हूँ।
पारिवारिक मसलों में मैं उनको स्वतंत्रता दे रखा हूँ। पहली बार किसी ने हमारी बोलती बंद कर दी। थैंक यू सो मच। OTT तो नहीं है ना यहाँ पे? बच्चे चढ़ रहे हैं ट्रेन में। जब अंग्रेजों ने भारत में ट्रेन बनाई होगी, कभी नहीं सोचा होगा एक दिन इंडिया से ट्रेन से ये सब करवाएंगे। ट्रेन पीछे खींच दी तूने, तेरे को बहुत सकती नहीं छू। चुक चुक की आवाज तो आ नहीं रही इसमें। अबे चुक चुक की आवाज तो ओरिजिनल ट्रेन में नहीं आती, जमाना बदल गया। कहाँ चुक चुक के जमाने में जी रही है? मेरी रेल है, करेगी चुक चुक। अगर डीजल से चलती है, लाइट से चलती है ट्रेन, तब देख उससे चलती थी, कोयले से तब करती थी चुक। तो ये चुक चुक नहीं करती? अबे कोयले से नहीं चलती ना वो, तेरी अम्मा का कोयला। चुक 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 चुक। सही है, अंग्रेजों ने सही टाइम पे देश छोड़ दिया। खाना तो ट्रेन पर आ जाता है, ठीक है, जो भी खाने की चीज मंगाओ, पर पीने की कोई भी चीज ट्रेन पर नहीं आती। इससे लो क्वालिटी के बर्तन नहीं रख सकते थे क्या? ये थीम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेते, मैं बता रही हूँ। जितना फैंसी रेस्टोरेंट है खाना उतना ही ओके ओके है, मतलब ये खाना मुझे कहीं भी मिल जाएगा, इससे वो भी कम दाम में, तो मेरे को तो उतना ठीक ही लगा। तो हमारा बिल आया है 1052 रुपये, जिसमें से 200 रुपये खाने के हैं और पूरे 800 रुपये 900 रुपये जो भी है वो है इस ट्रेन के। ने खाया पिया और निकल लिया। भैया पैसे ट्रेन से भेज दूं कि वो लेने होंगे? तो गाइस हमारा अगला यूनिक रेस्टोरेंट है ये। हाँ ये रेस्टोरेंट है, ये मैपल पोर्ड है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, इंडिया में बाहर से आया है। किडनैप करने वाली गाड़ी ओमनी वैन। सिगरेट अलाउड नहीं है, समझ आता है गाड़ी है नहीं पी सकते भाई। हील क्यों नहीं अलाउड? अच्छा समझ गया, अगर मान ली कपल अंदर गया, मैटर हो गया, लड़की ने हील बजा दी। गाइस यहाँ पे ना जब एंट्री होती है ना, तो पहले उन्होंने हमारा आधार कार्ड लिया है, आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, तभी आप ऐसे अंदर जा सकते हो। क्यों पर रोटी खाने के लिए आधार कार्ड लग रहा है? कल को तो पेशाब करने के लिए लगेगा बाथरूम के बाहर। ये ना ऐसा नॉर्मल गाड़ी वाड़ी टाइप का नहीं लगता, एकदम ऐसा लगता है कि कुछ ना एलियन टाइप की जो चीज होती है ना, रोबोटिक टाइप का कुछ। कोई मिल गया का जो शिप आया था, जिसमें जादू आया था, वो ये धूप में भी खड़ी है। अरे भाई अंदर चलो तुम आओ। वाह ओरे भाई यार। गाइस ये देखिए ये चरस, मतलब रेस्टोरेंट खुल गया है। यूनिक आइडिया तो है, देख अंदर बैठ के देखते हैं। बैठना ही बड़ा मुश्किल काम है। अरे भाई अच्छा है ना? क्या अच्छा है, मैं यही सोच रहा हूँ बहुत देर से। गेट बंद होगा तो अच्छा लगेगा। क्यों? ये बॉय गेट तो बिल्कुल बंद ना करो, सफोकेशन हो जाएगी और तू पाद मारेगी अलग। फ्रेंड्स नहीं है इस आदमी के अंदर चलाता भी। मैपल पोर्ट वालों ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो इसको बंद करो जल्दी जल्दी और कोई अच्छा काम देखो अपने लिए। मेरी 5 फुट हाइट है गाइस, मैं नहीं बैठ पा रही, वो सोचो कैसे बैठा होगा। भाई मुझे अभी तक इसका पर्पस समझ नहीं आया, क्योंकि रोटी खाने के लिए कंफर्टेबल नहीं, और कुछ करने के लिए तो आदमी को 800 रुपये में मिल जाएगा, तो उसके लिए 3000 खर्च करने की जरूरत नहीं। 3000 में तो 5 स्टार में रूम मिल रहा है। ले मेरा दिल तेरे को दे रही हूँ। टूट जाता है उसमें कैमरा वैमरा तो लगा हुआ। अच्छा 3000 रुपए में भी दे कस्टमर, फिर अपनी फिल्म भी बनवाए। ये इनकी आखिरी बुकिंग होगी यार इस वीडियो का डालने के बाद। इसके बाद ही इसको किडनैपिंग के लिए यूज करेंगे गाड़ी को। चुपचाप डेट एंजॉय कर, लाई हूं ना की डेट। तेरे को तो कुत्ते भी नहीं पूछते, मैं डेट पे लाई हूं तुझे। इससे बढ़िया तो मेरी कोर्ट की तरीके आ जाए अगर ऐसी डेट होती है तो। इसे एफर्ट्स की ना कदर नहीं है।
तभी सिंगल है ये भाई। इसके मालिक कौन है, इसे फोन लगा के बोली सब बंद कर, ये सब छोड़ दे, कोई अच्छी जॉब दे। घर पे 200 रुपए का डोमिनोज से पिज्जा मंगाता, टीवी चला के बेड पे लेट के खाता, इस वैन में गिर दिया मुझे भाई। यही एक डंडा, अब डंडा सही लगा, डंडा गिर गया ना तो सारा खाना गिर जाएगा भैया। अरे भैया ये सारी मेहनत हमसे ही करवाओगे यार, हम तो रोटी खाना आए थे, हम तो यहाँ गधा मजदूरी करवा दी तुमने। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपने ऊपर खराब फील करूँ कि मैं इसमें आया, या तेरे लिए खराब फील करूँ कि तूने इसमें 3,000 रुपये दिए, या उसके लिए खराब करूँ जिसने ये सब बनाया कि उसने ये क्या बनाया। ये जो रेस्टोरेंट है आगे वाला वो है फैमिली रेस्टोरेंट, और इस रेस्टोरेंट से फैमिली शुरू होती है। अगर खली का कभी मन हुआ डेट पे आने का अपनी बीवी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ तो वो कैसा आएगा इसमें? वो तो खड़ा होगा, फट जाएगा, लंबा है ये मैडम लंबा। पिज्जा बहुत बढ़िया, पर तुम बताओ पिज्जा अलग दुकान का है, गाड़ी तो सिर्फ गाड़ी देती है बैठने के लिए, तो सीधा उस रेस्टोरेंट पे आके पिज्जा ना खा ले अगली बार, अगर ज्यादा खा ले तो निकलेंगे कैसे, मेरा पेट तो मर जाएगा। ढकोस दिया सारा मेरा तो भाई, मैं चलता हूँ, और पैसे देख के जा मिल दे। और गाइस हमारा अगला यूनिक रेस्टोरेंट है वो परिक्रमा द रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। ये जो रेस्टोरेंट है ये वाकई में बहुत यूनिक है। इसमें यूनिक क्या है महंगे के अलावा? इसमें यूनिक ये है ना, ये जो रेस्टोरेंट है ये घूमता है, मैंने सुना है ये रेस्टोरेंट है झूला है, घूम भी नहीं रहा दिख रहा है, यहाँ से घूम कर रहा है, कहाँ घूम रहा है? घूम तो नहीं रहा यार कौशिक, कई सालों से सबका बेवकूफ बन रहा है, मुझे भी यही लग रहा है, हमने चेक कर लिया नहीं घूम रहा, अब चलते हैं अगले रेस्टोरेंट पे। हाँ नहीं घूम रहा, हमने चेक का कर लिया, अभी तो हम अंदर भी नहीं गए बिल्डिंग के, अंदर जाना चाहती है, बहुत महंगा है, तेरे को कैसे पता? सुना बहुत है ये रेस्टोरेंट घूमता है नहीं घूमता है, महंगा है सस्ता है, वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा, वो हम किसी का व्लॉग देख के देखेंगे यूट्यूब पे ना। चलो लोग देखेंगे, लेके जा रही हूँ तेरे को। चलो चलो देख 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 कैसा खुश हो रहा है, आराम के पैसे में तो कहीं भी चलूंगा। गाइज ये जो रेस्टोरेंट है ना घूमता तो है लेकिन ये बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, अभी हमारे सामने आ रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू, अब देखते हैं जब तक हम खाना खा के उठेंगे तब हम कहाँ होंगे। एक ड्रिंक्स में लेना है, क्या लेना है? ड्रिंक में है डाइट पेप्सी एक, और ऑरेंज जूस होगा, एक पनीर टिक्का मसाला कर दो। इस जगह पे हाँ खड़े होने के बाद थोड़ी थोड़ी फील हो रही है कि घूम रही है, इसका पहिया चल रहा है। इस रेस्टोरेंट की आज तक सबसे लो क्लास कस्टमर होगी ये, पहिया चल रहा है वो भी आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं करी होगी, यहाँ के लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, व्हाट अ ग्रेट रेस्टोरेंट एंड फूड खाते हैं, ये पहिया चल रहा है घूम रहा। हाँ तो क्योंकि मैंने भरा पैसा, कोई गेस्ट आया है यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ के जो स्टाफ को पानी वानी देना चाहिए। पानी पैसों का यहाँ पे 300 रुपए का, फ्री में कैसे पिला दे? पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, सबसे पहले पानी पूछना चाहिए, ये पापी है। मेरी मम्मी को मेरे पापा ने बोला था कि तेरे को एक बार इसमें लेके जाऊंगा, वो गोल गोल घूमता है, मम्मी कभी आ नहीं पाई तो मैं आ गई, अब मम्मी को लाना बनता है मेरी को। गाइस अगर आप इस वीडियो पे करवा देते हो पूरे 1,00,000 लाइक तो अगले ब्लॉग में हम मयंक की मम्मी को लेके आएंगे, तेरी को, दोनों को ले आते हैं, दोनों को साथ की बात हो जाएगी इसी बहाने। गुला गुला बो गुला बो गुला गुला बो देख यार इसमें ना कोई टेस्ट नहीं है, पनीर टिक्का में पनीर मरा हुआ है। मुझे पता है क्या लग रहा है कि ये ना अंग्रेजों के हिसाब से बनाया था, पर अंग्रेज तो चले गए, पर इनका टेस्ट नहीं जा पा रहा है। सोनिया गांधी तो है,
यार तू पूरे देश से गाली पड़वा दे मुझे यार। अरे यार पनीर टिक्का बहुत बेकार है। हमने अपना खाना खा लिया है और हम बैठे थे कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे बैठे थे। और हमने जब तक खाना कंप्लीट किया हम पहुंच गए जामा मस्जिद और हमारा केस खत्म हो गया, हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। बिल आया है पूरे 2400 रुपए का। मतलब मेरे को लग रहा था कि यार महंगा होगा, बहुत महंगा होगा। ठीक है उतना महंगा भी नहीं है, खाना भी तो बहुत टट्टी था, खाना अच्छा नहीं था। अब आगे चलना है कहीं तो आके मैं अकेली जा रही हूँ। चलो गाइस मैं भी चलूंगा। तो गाइस हमारा अगला यूनिक रेस्टोरेंट है ये रोबोलुसियस। नाम में क्या रखा है, हम इसकी यूनिकनेस देखते हैं अंदर जाके कि इसमें क्या क्या है। आजा ये भी तो है मेरे साथ, आजा। हेलो। तो गाइस ये रेस्टोरेंट बहुत यूनिक है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाना नॉर्मल लोग सर्व नहीं करते, कौन करता है? रोबोट्स। इसकी बैटरी लो है क्या? एक ही दुख है कि इसकी कमर में हाथ देना पड़ता है बार बार। हेलो फूडी, वेलकम टू मी रोबोलिशियस। अलेक्सा हाउ आर यू? पता है कितना महंगा रेस्टोरेंट है ये, अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो हम पागल है दिल्ली से आए नोएडा इतनी दूर हैं। मैं तो दिनेश के यहाँ पे छोले भटूरे भी खा लेती। बोल क्यों नहीं रही, क्या रिव्यू दूँ जब तू काम नहीं कर रही ठीक से? तो गंजी। हेलो फूडी, वेलकम टू मी रोबोलिशियस, माय सेल्फ मिशी, आई एम हियर टू सर्व यू। गाइस ये मिशी है और वो जो वहां पे थी सबसे पहले वो थी मिशू, यानी कि मिशी और मिशू खाना देंगी निशू को। कभी हुआ तेरा ऐसा वेलकम? तेरा वेलकम इंसान नहीं कर रहे, रोबोट कर रहे हैं आज। इज्जत तो बढ़ रही है मेरी। ओ भाई आ रही है। प्लीज डू नॉट टच मी। ये इन जैसे लोगों के लिए गाइस, ये लोग आते हैं इनको बदतमीजी करने का शौक होता है तो पहले ही लिखा हुआ साथ हमें हाथ ना लगाएं कृपया करके। Thank you. I hope you like the food. Please visit again. We will wait for you. अभी तो खाया ही नहीं मैंने। अरे हट जा तेरे ऊपर चढ़ जाएगी। थोड़ी नादान है गाइस। भैया इसके कुछ सवाल हैं। ये अगर इसे अपने घर पे लगानी हो तो लग जाएगी? कितना कितना खर्चा आ जाता है इसमें? 7-8 लाख का। 7-8 लाख में लड़की ना ले आऊं मैं? उनका खाना पीना क्या है? रोटी। साग के साथ रोटी खाती हैं दोनों। ये गाइस मिशू मिशी के मम्मी पापा की फोटो लगी हुई है इधर। हाँ गाइस ये उसकी मम्मी है, ये उसके पापा है और वो जो बैठा वो दामाद मिशू का हाथ देने वाले हैं मुझे। निशू का तो मिल नहीं रहा, मिशू का मिले कम से कम। इसके साथ तो गाइस ये मशीन भी सेफ नहीं है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये रेस्टोरेंट इतना फेमस है, यूनिक है, तो खाली क्यों है, लोग क्यों लिए? रोबोट जल्दी जल्दी खाना खिला के भगा दे रहे हैं लोग, कहीं और ये हरकतें करते हैं हम तो सिर्फ इंसान मारते हैं, इंसान और रोबोट दोनों मारेंगे। और चिट्ठी की मार मैंने देखी है भाई। बहुत मारता चिट्ठी। हमारा ये, अरे पता है। Table 2, here is your food buddy. Please take the food and press the exit button. जाने की बहुत जल्दी रहती है, एग्जिट बटन एकदम बताती है, फटाफट मुझे भेजो। अलेक्सा कुकर में सब्जी लेकर क्यों आई हो? Sorry, I don't know that one. Okay. Alexa, please tell me a joke. Where do I keep all my dad jokes? In a database. हैं? Yeah. Me too. अरे जा यार जल्दी। ले बैल ले। Thank you. बिगड़े बाप की बड़ी बेटी है। Good
विदेश में लोग पागलों का हे बड़ी दिस इज रोबोट हे रोबोटिक्स ये वो इंडिया में चल दाल मखनी लेके हम फटाफट दो टिश्यू पेपर नमक लेके आए बटर बटर रखा भाई सही बताऊँ खाना बढ़िया खाना खाने के लिए आओ बाकी सब गिमिक है। तो गाइस इस रेस्टोरेंट में जो मेरा बिल आया वो आया भाई सिर्फ 700 रुपए का। देख रहे हो ये है एक अलग यूनिक चीज़, इतना कम बिल वो भी इतने बढ़िया खाने के लिए। और भाई मुझे जो सबसे बेस्ट लगा सारे रेस्टोरेंट्स में वो लगा यही रोबोलिशियस। तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर तुम करवा देते हो इस वीडियो पे पूरे 1.5 लाख लाइक तो मैं जाऊँगी इस बार इंडिया के पूरे इंडिया के सबसे यूनिक रेस्टोरेंट्स में। तुम करवाओ तो सही, लाइक करो तो सही, सब्सक्राइब करो तो सही, करते ही तो नहीं हो, वीडियो देख के चले जाते हो।